अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा आपको एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें कि जब भी मैं नई वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ जी, तो आज जो कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका नाम है ज़ीन। और ज़ीन आपको पता है कि बहुत अच्छी ब्रांड है और इसकी मैंने अनस्टिच कलेक्शन आप लोगों से शेयर की थी। ज़ीन पे लगी हुई है सेल और ये मैं ट्राउज़र से स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो ग्रे ट्राउज़र आपको नज़र आ रही है ना, ये कितनी खूबसूरत ट्राउज़र है। इसकी प्राइस है ओनली 1000 रुपीज़। जी हाँ, ये सारी ट्राउज़र जो यहाँ लटक रही थी ये 50% ऑफ पे थी एंड बहुत खूबसूरत ट्राउज़र्स थी। मेरे पास ज़ीन की 3 से 4 ट्राउज़र्स हैं जो कि मैं ऑन एंड ऑफ पहनती हूँ। चाहे मैं जितने अनस्टिच कपड़े करा लूँ ना, मुझे जो ट्राउज़र्स हैं ना वो मुझे होता है कि मैं शॉप से ख़रीदूँ, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत स्टिच होती हैं एंड बहुत प्यारी होती हैं। तो मेरा ना स्टिच ट्राउज़र पर बड़ा मीन्स होता है कि मैं ख़रीद लूँ। तो यहाँ पर बहुत प्यारी कलेक्शन है स्टिच्ड की, बहुत खूबसूरत ट्राउज़र्स हैं जो कि आपको बड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। 1000 की मीन्स 1200, 1400, 1500 इस तरह। एंड सीरियसली जो ग्रे ट्राउज़र मैंने आपको दिखाई है ना, अगर मैं और ये बहुत प्यारे कपड़े, अच्छे सिल्क के कपड़े पे बनी हुई है, अगर मैं ये कपड़ा पहले ख़रीदूँगी तो सिर्फ ये कपड़ा ही 1000 का आएगा। उसके बाद मैं इस पर कढ़ाई कराऊँगी और उसके बाद मैं इसको स्टिच कराऊँगी तो इट विल कॉस्ट मी अलॉट। खैर, ये इनके फ्रेश अराइवल में था, ये सेल पर नहीं था, लेकिन आप ये देखिए कितनी खूबसूरत ट्राउज़र है। अगर आप इसके साथ कपड़े बना लें तो ये बहुत ही प्यारे लगेंगे, मीन्स शर्ट एंड दुपट्टा। तो ये है कि यहाँ की इनकी ट्राउज़र्स का एंड इनके स्टिच कपड़ों का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अनस्टिच मैंने लिया है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगी और वो सब कुछ अवेलेबल है क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि अभी इनकी सेल ख़त्म नहीं होगी, काफ़ी दिन रहेगी, क्योंकि अभी इन्होंने नया विंटर कलेक्शन लेकर आनी है तो पहले वो अपना समर ख़त्म करेंगे तभी विंटर लेकर आएंगे ना। तो ये मैं आपको ट्राउज़र्स दिखा रही थी। अगर आप में से किसी ने ट्राउज़र्स ख़रीदनी है, वेल एंड गुड, जाइए, रेंज इज़ वेरी गुड। मैं आपको एक नॉर्मल बात बता दूं कि जो कॉटन की भी ट्राउज़र होती है ना, कैमरिक की, उस ट्राउज़र का कपड़ा अगर आप किसी ब्रांड से लेते हैं तो 900 से 1000 रुपये तक की सिर्फ ट्राउज़र का कपड़ा आता है। और उसके बाद आप उसको जब स्टिच कराते हैं या कढ़ाई कराएंगे तो वो कहाँ पहुँचेगा, या अगर आप शॉप्स जो खुले कपड़ा मिलता है जहाँ पर, वहाँ से भी मैंने ट्राउज़र लिए तो वो भी 600 से 700 रुपये तक की एक ट्राउज़र आती है। मीन्स कपड़ा, स्टिचिंग की मैं बात ही नहीं कर रही। स्टिचिंग आप अलग देते हो, लेसेस अगर आप इस तरह की लगाते हो तो आपको अलग कॉस्ट करेगा। तो ये है कि ज़ीन पे बहुत अच्छी सेल है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ट्राउज़र्स अगर आपको आपके साइज़ की मिलती हैं सो प्लीज़ अवेल इट। मेरे साइज़ की ट्राउज़र्स नहीं थी, मोस्टली वहाँ पर स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल एंड मीडियम साइज़ की पड़ी हुई थी। आई विश वो ग्रे वाली लार्ज होती तो वो मैंने ले लेनी थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत ट्राउज़र थी, नो डाउट अबाउट इट। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि ज़रूर ये ट्राउज़र ज़रूर अवेल करें। खैर, उसके बाद ये था कि मुझे था कि चले मैं आप लोगों को इसकी प्रेट कलेक्शन दिखा देती हूँ। प्रेट भी बहुत प्यारी थी, एज़ यू ऑल कैन सी कि ये एक बहुत खूबसूरत कूल सा कलर है जो ख़वातीन, मैं जॉब वाली ख़वातीन को इसलिए जो है ना एड्रेस करती हूँ। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि ये तो हम भी ले सकते हैं, आप सिर्फ जॉब वाली को टारगेट करती हैं। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जब मैं जॉब करती थी ना तो मुझ में बिल्कुल स्टैमिना नहीं होता था टेलर्स के चक्कर लगाने का, उनसे कोऑर्डिनेट करने का या डिज़ाइन करने का। फ्रेंकली स्पीकिंग, आपको जब आप जॉब कर रहे होते हो ना तो आपका वर्क प्लेस जो है ना आपको निचोड़ के रख देता है, आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता था कि मैं जाऊं और कपड़ा ख़रीदूं और फिर मैं उसको स्टिच कराने टेलर को दूं, तो इससे बेहतर होता था मैं स्टिच ख़रीद लूँ। सीरियसली मुझे याद है मैं कराची में होती थी और मैं डॉलमन मॉल जाती थी और वहाँ पर जो मुझे अच्छा लगता था मैं जाके ट्रायल रूम में चेक करती थी और उसके बाद उधर ही बस मैं कहती थी नहीं भैया मैंने लेना है, और मैं उठाती थी कपड़े अपने और नेक्स्ट मंथ के मेरे सारे कपड़े होते थे पूरे। और मुझे अभी भी याद है कि मेरी ड्यूटी लगती थी ऑन फ्राइडे, तो मेरी कोशिश होती थी कि फ्राइडे वाले दिन ना मैंने नया सूट पहन के जाना है। तो उसमें ये होता था कि आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हो, आप अच्छा अच्छा तैयार हो जाते हो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास ज़िंदगी में टाइम ही होता नहीं होता ना टेलरों के पास जाने का। एंड मैं सिर्फ ये एक मशवरा आपको दे दूँ, जब आप स्टिच कपड़े लेते हो ना तो मोस्टली कुर्ते होते हैं। मैं 3 पीस स्टिच्ड में कभी भी नहीं ख़रीदती थी क्योंकि उसमें ना आपको फ़ायदा नहीं होता। एक तो वो एक्सपेंसिव होते हैं, 6000-7000 तक का 3 पीस होता है, लेकिन जो इस तरह के कुर्ते होते हैं ना ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं सिर्फ जॉब करने वाली ख़वातीन के लिए नहीं बोल रही, मैं नॉर्मल लोगों के लिए भी बात कर रही हूँ। इस तरह कि जी आपने एक कुर्ता ले लिया, इसमें इतने कलर्स होते हैं ना,
इतने ढेर कलर्स होते हैं, आप उनमें से कोई भी कलर का मैचिंग कर सकते हैं। मैं क्या करती थी, मैं इस तरह के स्टिच्ड कुर्ते लेती थी, उसके बाद मेरे पास एक स्किन कलर, एक वाइट कलर, एक ब्लैक कलर, ये तीन कलर तो मोस्टली मेरे पास ना दो दो तीन तीन ट्राउजर्स होती थी। और उसके बाद कलर मैं बहुत कम ट्राउजर्स खरीदती थी, ये तीन कलर लेके ना उसके बाद मेरे हर सूट के साथ वो मैचिंग हो जाता था। और मेरे पास इतने जो क्रश वाले दुपट्टे होते हैं ना, उन दुपट्टों का ढेर था, यानी कि अभी भी मेरे पास कोई 10 से 12 ऐसे दुपट्टे हैं जो कि डिफरेंट कलर्स के, जो मेरे कुर्ते सिर्फ होते हैं, शर्ट होती है, जो जो मैंने एक शर्ट पीस लिया होता है उसके साथ वो दुपट्टा मैचिंग हो जाता है। और मैं बड़े आराम से वो 3 पीस पहन के तो मैं स्कूल चली जाती थी जब मैं जॉब करती थी। तो मैं ये मशवरा इसलिए दे रही हूँ, बहुत सारी वर्किंग लेडीज़ हैं जो मुझसे बहुत पूछती हैं कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए वर्क प्लेस पर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, उधर ये 3 पीस जोड़े ना आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे, जैसे हम लेते हैं फिर स्टिच कराते हैं और फिर लेसेस वगैरह लगाते हैं। और इन जॉब पे ना, मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, आप बहुत लेसेस वाले कपड़े पहन के नहीं जा सकते, तो आप थक जाते हैं, तंग हो जाते हैं। अब मैं जैसे यू नो माई डिज़ाइनिंग, वो डिज़ाइनिंग ऐसी जैसे थोड़ी फॉर्मल साइड पर होती है, आप जॉब पर फॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकते, ये फैक्ट है। तो आपको जॉब में ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं जो कंफर्टेबल भी हों और आपको बड़े आराम से आप उनको कैरी कर सकें और वो जो ख़राब भी ना हो। तो ये होता है कि स्टिच कपड़ों का ये होता है कि उसमें अब ये तो एम्ब्रॉयडरीज वगैरह भी हुई हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो खैर एम्ब्रॉयडरी वाले बहुत कपड़े नहीं पहनती थी उस वक्त, मतलब ये कि जॉब करते हुए मुझे होता था कुर्ता हो अच्छा, मीन्स कम्फर्टेबल हो, साथ में मैं दुपट्टा मैच कर लेती थी, साथ में मैं मीन्स एक्सेसरीज जो है ना मैं सारी मैचिंग कर लेती थी। इयररिंग्स तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं पहनती थी, लेकिन टॉप्स वगैरह छोटे छोटे पहन लेती थी, साथ में मैं रिंग्स बहुत पहनती थी, ब्रेसलेट पहनती थी और मैं बहुत मैचिंग जूते पहनती थी, आई वॉज फेमस फॉर दैट। सो ये है कि अगर आपको इस तरह से स्टिच कपड़े मिल जाते हैं तो आप वेल एंड गुड, जाएँ खरीदें। एंड स्पेशली मेरे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि फॉरेन कंट्री में रहते हैं, एंड दे वर कंप्लेनिंग कि जब पाकिस्तान आते हैं ना तो हमने बहुत सारे कपड़े अपनी फैमिली को बताए होते हैं तो वो हमें ना तो टाइम पे नहीं मिलते, दूसरे अगर वो बने होते हैं ना तो वो हमारे स्टाइल के नहीं बने होते। मैं आपको एक बहुत आसान सा मशवरा दे रही हूँ, अगर आप पाकिस्तान आते हैं ना और आपको होते देखिए कौन किसी के कपड़ों पर इतना टाइम लगाता है, जैसे मेरी 2 सब्सक्राइबर्स हैं, एक और भी हैं जी चीज इन UK, उन्होंने भी मुझे कहा कि शादी है और जब मैं देखती हूँ औरों के कपड़े और जब मैं अपने देखती हूँ ना, स्पेशली मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड, तो अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है वो आपको बना के दे रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी जो फैमिली होती है ना उसको फॉर ग्रांटेड ही लेती है कि जी इसको क्या पता है बाहर से आ रही है, इसको क्या पता फैशन का। तो ये चीज़ मैंने अपने क्लाइंट्स की बहुत नोट की है कि वो ये बोलती हैं कि हमारे कपड़े वैसे नहीं होते जिस तरह से उन्होंने पहने होते हैं। एक तो दूसरा बंदा बेचारा डर भी रहा होता है ना कि पता नहीं इसको पसंद भी आएंगे या नहीं, है मैं अपनी तरह के बना दूँ तो पसंद भी आएंगे या नहीं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं ना उन्होंने मुझे कहा है कि वो फेस कर रहे हैं। तो जो मेरी वो क्लाइंट्स जो कि या मेरे वो सब्सक्राइबर्स जो बाहर रहते हैं वो अगर इस बात से एग्री करते नीचे कॉमेंट ज़रूर करते हैं कि दे फेस सच थिंग्स। लाइक मेरी क्लाइंट ने मुझे कहा कि मैं जब पाकिस्तान आती हूँ जैसे वैसे भी उनको बताती हूँ या मेरे कपड़े जब बाहर से आते हैं तो वो वैसे नहीं होते, वो प्यारे ही नहीं होते, वो वैसे दिल से नहीं बनाए गए होते, तो वो नीचे ज़रूर ज़रूर कमेंट कर दें। तो उनको एक मैं मशवरा दूंगी कि जब आप जब भी पाकिस्तान आए ना तो ये प्रेट लाइन बड़ी अच्छी होती है, आप जाएँ एक ही दफ़ा में 15-16 कुर्ते उठा लें, 4-6 ट्राउजर्स उठा लें, दुपट्टे मैचिंग वहीं पर मैचिंग आपको मिल जाएगी, आप उठाएँ और ले जाएँ। ना तो आपने किसी का एहसान उठाया, फैमिली का, मैं स्पेशली फैमिली की बात करूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे यही कहा है कि हम जब कपड़े बनवाते हैं तो वो उस अप टू डेट नहीं होते, वो वैसे होते ही नहीं है, आपको किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं। और अगर इन केस आप नहीं आ रहे ना तो ट्राई टू अप्रोच समवन हु कैन मेक दोज क्लोथ्स फॉर यू, ये एक सिंपल सा फंडा है, बस ये मैं आपको बताना चाह रही थी। तो ये आप देख लें कि बहुत प्यारे कपड़े थे, मैंने इधर वैरायटी ऑफ कलर्स देखे, इतने कुर्ते थे काउंटलेस थे, और मोस्टली कुछ कपड़े ऐसे भी थे जो कि उनके यहाँ पर अनस्टिच भी थे और उन्होंने मुझे उनमें स्टिच कपड़े भी दिखाए कि देखिए ये हमारे स्टिच हैं। लेकिन क्योंकि अभी मैं बहुत स्टिच कपड़े खुद भी सिलवाती हूँ, काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल हो गए, तो मुझे ना वो अब अनस्टिच, वो उसी में अनस्टिच ना मज़े के ही नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो ना तो उसमें कोई ऐसे लाइक लेसेस जैसे मैं अपने अकॉर्डिंगली बनाती हूँ ना कपड़े, उस टाइप की कोई लेसेस वेसेस नहीं थी, वो सिंपल सी स्टिचिंग हुई थी। हाँ उनके स्लीव्स पे ये होता है कि प्यारे प्यारे मीन्स मोटिव्स बने हुए होते हैं, पैटर्न्स बने हुए होते हैं, लूप्स बने हुए होते हैं, बटन्स लगे हुए होते हैं। तो वो ये कि अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
फॉर डिजाइन पर्पस, ठीक है। जैसे मैं आपको ये हर चीज क्लियरली दिखा रही हूँ ताकि अगर आपको उसके स्लीव्स अच्छे लगते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लें, अपने टेलर को दिखाएं और आप बड़े आराम से उन कपड़ों को कॉपी कर सकते हैं। तो ये डिजाइनर की जो ये जितनी भी प्रेट लाइन होती है ना, इसका ये फायदा हो जाता है कि अगर आप जाते भी हैं तो आपको काफी आइडियाज मिल जाते हैं कपड़े स्टिच कराने के हिसाब से। और यहाँ पर जीन पे आपको दुपट्टे भी मिलेंगे, वैरायटी ऑफ दुपट्टा मिलेगा, तकरीबन कोई 30-40 तो कलर के और डिजाइन के मैंने दुपट्टे देखे थे। दुपट्टे मुझे सबसे पहले याद है जो सबसे प्यारे मुझे लगते थे और जिससे मैं बहुत लेती थी, वो जे डॉट के होते थे और उसके नीचे जो ठसल लटक रहे होते थे उसमें खुद से बने हुए होते थे, पता नहीं क्या क्या बना होता था, बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन अभी मैंने नहीं देखा जे डॉट पर वो सब कुछ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं अगर अभी आपको उस टाइप के जो है दुपट्टे नजर आए उनके, वरना तो मुझे नहीं नजर आए उनके कभी, अब के दौर की मैं बात करूँ तो। खैर, ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे पिंटेक्स डली हुई है, कलरफुल सी पिंटेक्स डली हुई है, जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उसी तरह की पिंटेक्स डली हुई है। 3690 है लेकिन ये सेल में, ठीक है। यहाँ जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कपड़े सेल पे मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो है ना ऐसी चीज़ें थी जो कि लास्ट यू कैन से के सीजन की थी, लास्ट ईयर की थी, तो उन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले की भी थी और उस पर 50% ऑफ लगाया हुआ था। एंड टू पीस भी थे, थ्री पीस भी थे, बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट थे। मैं आपको भी दिखाऊंगी, ब्लैक बहुत प्यारा मुझे लगा था, बहुत ही खूबसूरत था। तो यहाँ पर आपको वैरायटी जीन पे स्टिच कपड़ों की नज़र आएगी। और मैंने यहाँ से शॉपिंग की है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला, मेरी पूरी कोशिश है क्योंकि मुझे है कि मैं आप लोगों के साथ पहले ये शेयर कर लूँ, आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा, फिर मैं अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी और क्या ख़रीदा है वो ज़रूर मैं दिखाऊँगी। वो मेरी अमेरिकन क्लाइंट के कपड़े हैं तो वो इंशाल्लाह ताला मेरा है कि मैं जल्द अज़ जल्द आप लोगों को जो है वो दिखा दूँ। अब ये देखिए कितना खूबसूरत सूट है, इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड इसमें ना एक साइड पर ना कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो कि मुझे नहीं पता था, मैंने उनसे कहा कि ये वाला खोल के देखें क्योंकि ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। ये आप कलर देखिए कितना खूबसूरत है। भाई ने जो है ना वो मुझे ये तो अच्छा हो, मैंने उनको कहा कि मुझे दिखाएं ये कैसा सूट है क्योंकि ये उनके पिछले सीजन के थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारी जो आउटलेट है ना यहाँ पर कुछ ऐसा सामान आता है जो कि फैक्ट्री का थोड़ा सा डिफेक्टेड होता है। ये जो इस आइल पे पड़े हुए ना ये बंद, ये थोड़े से उनके पिछले सीजन के थोड़े से डिफेक्टेड है। अब ये देखिए ये बहुत खूबसूरत था, इसका कमीज़ जो थी ना इसका कलर थोड़ा डार्क था, वरना मैं तो सोच रही थी मैं तो अपने लिए लेना चाह रही थी, लेकिन जब मैंने खुलवा के देखा ना वो तो अच्छा, मैंने उनका खोल के दिखाया, मुझे था कि अंदर इसके क्या है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा लास्ट सीजन का। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इसमें कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो कि डिफेक्टेड होते हैं, तो फिर मैंने ये छोड़ दिया था। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, गांव में याद रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।